आज हम ट्रेन कर रहे हैं आर्म्स। आर्म्स के अंदर हम ट्रेन करेंगे बाइसेप्स को एंड ट्राइसेप्स को। सो, सबसे पहले हम बाइसेप्स को ट्रेन करेंगे। नाउ बाइसेप्स की जो पहली एक्सरसाइज है वो है बारबेल प्रीचर कर्ल। और इस एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने अपने बाइसेप्स को, अपनी आर्म्स को अच्छी तरह से वार्म अप ज़रूर करना है, जिस तरह से हम वार्म अप करते आ रहे हैं। आप वार्म अप लाइट वेट से करेंगे, लगभग 20 रेप्स आप लगाएंगे। आप वार्म अप के लिए डंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एम्प्टी बारबेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप केबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली आपने वार्म अप करना है अपने आर्म्स को, आप किसी भी इक्विपमेंट को यूज़ कर सकते हैं। सो, ये हमारा पहला सेट है यहाँ पर बारबेल प्रेशर कर्ल का। सो, सबसे पहले आपके हैंड्स है वो आपके ज़्यादा वाइड नहीं होने चाहिए, आपके शोल्डर के विड्थ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जब आप बारबेल को ऊपर लेकर जाएं, आप अच्छी तरह से बाइसेप्स को स्क्वीज करें, और जब आप बारबेल को नीचे लेकर आएं तो आपने अच्छी तरह से अपने मसल को स्ट्रेच करना है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मेरी जो अपर बॉडी है, टोटल बॉडी, वो बिल्कुल लॉक है और मैंने लॉक की हुई है, और मेरी सिर्फ आर्म्स है वही काम कर रही है। और जब मैं नीचे जा रहा हूँ बारबेल को लेकर, तो मैं फुल स्ट्रेच कर रहा हूँ अपने मसल्स को, मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ अपनी बाइसेप्स को फुली। और जब मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो फुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मसल को। ये एक्सरसाइज आपने स्लो और कंट्रोल्ड फॉर्म में लगानी है। आपको मालूम है सिर्फ 5 रेप्स ही लगानी है। सो डू इट इन स्लो एंड कंट्रोल्ड फॉर्म। एक्चुअली जो हमारे बाइसेप के 2 मसल्स होते हैं, एक ब्रैकियाई और दूसरा ब्रैकियालिस, यहां पर हम ब्रैकियाई ट्रेन कर रहे हैं। ब्रैकियाई के अंदर 2 अलग मसल है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप। जब मैं बारबेल को नीचे लेकर आ रहा हूं तो यहां पर मैं लॉन्ग हेड को ट्रेन कर रहा हूं, और जब मैं स्क्वीज कर रहा हूं बाइसेप को तो मैं शॉर्ट हेड को ट्रेन कर रहा हूं। बाइसेप का पीक है, जो बाइसेप की गोलाई है उसको ट्रेन कर रहा हूं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। सो, इस साइज गेन प्रोग्राम में आप हैवी वेट का इस्तेमाल करेंगे, तभी आपका जो मसल फाइबर है बाइसेप्स का, जो फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर है, वो ट्रेन होगा। तो आपको मैंने बताया है फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर जो है वो आपके साइज को गेन करता है। फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर में आपको ज़्यादा हैवी लोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके लिए आपने एक्सप्लोसिव वर्कआउट करना है, जो हम इस रूटीन में कर रहे हैं, स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म, हैवी वेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा 5वां और आखिरी सेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ एक सपोर्टर है, और अगर आपके साथ कोई आपका फ्रेंड है, आपका कोई सपोर्टर है, कोई पार्टनर है, तो आपको वो अगर हर एक सेट में आपको हेल्प प्रोवाइड करे तो आपके बाइसेप का साइज ग्रो होगा नो मैटर व्हाट, क्योंकि आपका जो फोकस होगा वो सारा होगा वेट को कंट्रोल करने का, और आपका जो सपोर्टर है वो आपको वेट को लिफ्ट करने में आपकी हेल्प करेगा, जिससे आप और भी ज़्यादा हैवी वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके इंजरी के चांस कम होंगे। सो, सपोर्टर आपके साथ हो तो उसका आपको बेनिफिट होगा। इस एक्सरसाइज के बाद आपने 1 मिनट रेस्ट लेना है, उसके बाद हम बाइसेप ब्रैकियालिस की एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, वो है डंबल हैमर कर्ल। और ये एक्सरसाइज हमारे जो आउटर पार्ट है बाइसेप का, मतलब ब्रैकियालिस मसल की एक्सरसाइज है, और इससे हम आउटर पोर्शन और हम बाइसेप के लॉन्ग हेड दोनों को ट्रेन कर रहे हैं। और इस सेट के बाद आप अपने बाइसेप को अच्छी तरह से स्ट्रेच ज़रूर करें। अगर आप यहाँ पर मैं फ्रंट एंगल देखें, तो जब मैं कर्ल कर रहा हूँ तो मेरा जो डंबल है वो इनवर्ट जा रहा है, मतलब चेस्ट के सामने। तो इससे मैं जो आउटर बाइसेप है, ब्रैकियालिस मसल, उसको ट्रेन कर रहा हूँ। अगर मैं डंबल को आउटसाइड लेकर जाता हूँ तो मैं इनर मसल को ट्रेन करता हूँ, इनर बाइसेप्स को। तो यहाँ पर आप साइड एंगल से देख सकते हैं, जब मैं कर्ल कर रहा हूँ मेरी आर्म बिल्कुल स्ट्रेट है, मैं अपनी एल्बोस को आगे लेकर नहीं आ रहा हूँ। बहुत से लोग यहाँ पर अपनी एल्बोस को लिफ्ट करते हैं, जो कि सही नहीं है। जब आप कर्ल करें, मेक श्योर आपकी एल्बोस लॉक हो, और आप अच्छी तरह से मसल को स्क्वीज करें। जब आप नीचे लेकर आएं, यू हैव टू कम ऑल द वे डाउन।
सो आपको मालूम है कि आपने हर एक सेट में वेट ज़रूर इंक्रीज़ करना है, चाहे आप 5 पाउंड इंक्रीज करें, लेकिन आपने हर एक सेट में आपका ये गोल है कि आपने हर एक सेट में वेट ज़रूर इंक्रीज़ करना है, तभी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और आपको मैंने बताया है साइज़ फॉलोज द स्ट्रेंथ, जितनी आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी आपका साइज़ उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये हमारा 5वां और आखिरी सेट है और ये हमारा हैवीएस्ट सेट है। आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो हैवीएस्ट सेट है, अगर आपने वहाँ पर एल्बोस लिफ्ट नहीं करनी, अगर आपकी एल्बोस लिफ्ट हो रही है इसका मतलब आपका वेट हैवी है, या तो आप थोड़ा सा लाइट डंबल का इस्तेमाल करें या अपने फ्रेंड को सपोर्ट के लिए कहें। सो अब हम जो आर्म्स का दूसरा मसल है ट्राइसेप्स, उसको ट्रेन करेंगे। और ट्राइसेप में हम ट्रेन करेंगे, सबसे पहली एक्सरसाइज है बारबल स्कल क्रशर। सो ट्राइसेप्स के अंदर 3 मसल्स है, सबसे पहले लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, देन मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप एंड लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप। सो यहाँ पर जो हम एक्सरसाइज लगा रहे हैं ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स की है। इस प्रोग्राम में हम ट्राइसेप्स के सारे हेड को ट्रेन करेंगे। हर कोई चाहता है कि उसकी आर्म बड़ी हो, उसका बाइसेप का साइज बड़ा हो, लेकिन बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि आर्म का जो 60% है वो ट्राइसेप मसल है, मतलब आपकी आर्म का 2/3। सो अगर आपने अपने आर्म का साइज गेन करना है तो आपको ट्राइसेप के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ट्राइसेप्स के तीनों हेड को ट्रेन करना पड़ेगा। सो इस एक्सरसाइज में अगर हम फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले आप जब बारबेल को लिफ्ट करें तो आपकी आर्म बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चाहिए, थोड़ा सा बेंड चाहिए टॉप में, ताकि जो टेंशन है आपके ट्राइसेप्स के ऊपर कंटिन्यू रहे। जब आप बारबेल को नीचे लेकर आएं तो आपने अच्छी तरह से अपने ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करना है ऑल द वे डाउन, एंड जब आप ऊपर लेकर आएं तो आप अपने ट्राइसेप को स्क्वीज करना है। अगर ये एक्सरसाइज आपने अभी तक नहीं कभी लगाई तो आपके साथ इस एक्सरसाइज में आपका कोई फ्रेंड या कोई सपोर्टर आपके पास होना चाहिए, ताकि कहीं आपके कोई जो एल्बो इंजरी के चांस ना हो। और जब आप वेट को नीचे लेकर आएं तो आपके साथ कोई हो जो आपको सपोर्ट दे सके लिफ्ट करने में, ताकि आपको के एल्बोस के ऊपर ज़्यादा टेंशन ना हो। सो इंजरी का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। ये हमारा 5वां और आखिरी सेट है और आपको मालूम है कि ये आपका हैवीएस्ट सेट चाहिए। सो अगर जो एडवांस्ड लोग हैं यहाँ पर, जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो यहाँ पर डीक्लाइन बेंच का इस्तेमाल करें। उस एंगल में आपके ट्राइसेप्स जो है वो 20% ज़्यादा टेंशन के अंडर होंगे फ्लैट बेंच के मुकाबले। सो एडवांस्ड लोग डीक्लाइन बेंच का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी आप ज़्यादा वेट ऐड कर टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज बहुत सारे लोग हैं वो इस एक्सरसाइज में कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ये ट्राइसेप की लेंथनिंग की एक्सरसाइज है। सो शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग, सो दिस इज अ ट्राइसेप्स लेंथनिंग एक्सरसाइज। तो बहुत से लोग यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो लोग इस एक्सरसाइज में मीडियम डंबल का इस्तेमाल करें सबसे पहले, और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही डंबल का वेट ऐड करें। यहाँ पर जब आप लिफ्ट करें, आपने देखा है मैंने सबसे पहले डंबल को अपने शोल्डर के ऊपर रखा था, ताकि मेरे यहाँ पर एल्बोस और किसी शोल्डर में इंजरी ना हो। यहाँ पर मेरे जो एल्बोस है बिल्कुल लॉक की है मैंने, मेरा यहाँ हेड है बिल्कुल स्ट्रेट है, और मैं डंबल्स को पूरा नीचे लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ फुल रेंज, और जब ऊपर लेकर आ रहा हूँ तो आई एम जस्ट ट्राई टू स्क्वीजिंग माई ट्राइसेप्स। आपने इंजरी का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कहीं डंबल को हैवी लिफ्ट करते समय आपके इंजरी शोल्डर और एल्बोस पे इंजरी ना हो। सो सेफ तरीके से आपने लिफ्ट करना है, और आपके साथ आपका कोई सपोर्टर हो आपके पीछे तो वो आपको हैवी डंबल लिफ्ट करने में आपकी मदद कर सकता है पीछे से। सो जो ज़रूरी है अगर आप इस एक्सरसाइज में कंफर्टेबल नहीं हैं। सो इस एक्सरसाइज के बाद आप अपने मसल को स्ट्रेच ज़रूर करें। सो इस एक्सरसाइज में आपका लॉन्ग हेड ट्राइसेप के साथ साथ आपका मीडियल हेड भी ट्रेन हो रहा है। मैंने आपको बताया कि ट्राइसेप के 3 हेड है, लॉन्ग हेड, मीडियल हेड एंड लैटरल।
तो यहाँ पर आपका मीडियल और लॉन्ग हेड दोनों ट्रेन हो रहे हैं। मीडियल बहुत ही स्मॉल मसल है आपके एल्बोज के बिल्कुल पास, और बहुत से लोग ट्रेन नहीं करते, उनका ये मसल वीक मसल है। तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छी तरह से इस एक्सरसाइज को लगाएं ताकि जो आपका वीक मसल है वो ग्रो हो और आपकी ट्राइसेप में स्ट्रेंथ ऐड करे। ये हमारा पांचवा और आखिरी सेट है, और ये आपका हैवीएस्ट सेट होना चाहिए, और इस एक्सरसाइज में आपके साथ सपोर्टर हो तो बहुत ही अच्छा है, आपके साथ होना चाहिए। जो लोग एक्सपर्ट है, एडवांस्ड है, उनको सपोर्टर की ज़रूरत नहीं है, और वो इस एक्सरसाइज को आप स्टैंडिंग में भी लगा सकते हैं एक्सपर्ट पीपल, और जो बिगिनर है और इंटरमीडिएट हैं वो इस बेंच पर ही लगाएं, और आपके साथ सपोर्टर हो जो आपको हेल्प प्रोवाइड कर सके जिससे आप ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर सकें और आपके इंजरी के चांस कम हो। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल किक बैक। ये हमारे ट्राइसेप के लैटरल हेड और लॉन्ग हेड की एक्सरसाइज है। जिस तरह से हमने पहले जो एक्सरसाइज की है उसमें हमने ट्राइसेप का लॉन्ग हेड ट्रेन किया था, उसके साथ हमने ट्राइसेप का मीडियल हेड ट्रेन किया था। किक बैक, डंबल किक बैक हमारे लैटरल हेड के ट्राइसेप की एक्सरसाइज है। सो इस एक्सरसाइज में आपकी फॉर्म सही होनी ज़रूरी है, अपनी आपने बॉडी को बेंड करना है और अपनी आर्म को पूरा एक्सटेंड करना। आप देख सकते हैं मैं ट्राइसेप पूरा एक्सटेंड कर रहा हूँ जिससे कि मेरा लैटरल हेड है, मतलब जो ट्राइसेप का आउटर मसल है वो ट्रेन होगा। आपके आर्म का एंगल जो है 180 डिग्री होना चाहिए, तभी आपका जो ट्राइसेप है पूरा एक्सटेंड होगा, और आप अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर करें जब अपनी आर्म को एक्सटेंड करेंगे। इस एक्सरसाइज को आप बेंच के ऊपर भी लगा सकते हैं, फ्लैट बेंच के ऊपर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर रैक के पास क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि टाइम सेविंग है, बार बार डंबल को उठाकर बेंच के पास लेकर जाना, और जस्ट टाइम सेविंग, और मेरा अच्छा बैलेंस है रैक के पास लगाने का। तो ये आपकी चॉइस है, आप इसको बेंच पर लगा सकते हैं अगर आपका बैलेंस सही नहीं बनता। इस प्रोग्राम में आपको एक्सरसाइज के साथ साथ आपको डाइट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेंथ कम है, आप वीक है वेट लिफ्ट करने में, तो उसका फ़र्क आपके लिफ्टिंग में पड़ेगा। तो उसका कारण है कि आपकी जो डाइट है वो सही नहीं है, आप सही न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे हैं, सही न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आपने अपनी डाइट का ध्यान रखना है, आपका जो साइज है, जो स्ट्रेंथ है वो आपके न्यूट्रिशन से बढ़ेगी। प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन आपकी सही होनी चाहिए, सो वो आपने ध्यान रखना है ज़रूर। तो इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम के साथ न्यूट्रिशन प्लान भी डिज़ाइन किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स है, आप चेक कर सकते हैं। सो ये कॉम्बिनेशन है प्रॉपर एक्सरसाइज का और डाइट प्लान का, सो आपको दोनों प्लान्स को फॉलो करना पड़ेगा रिजल्ट्स के लिए। सो ये आपको मालूम है कि हमारा लास्ट सेट है, और ये आपका हैवीएस्ट सेट होना चाहिए। इसके बाद हम एब्स के 3 सेट लगाएंगे, और एब्स के ख़त्म होने के बाद आप अपनी न्यूट्रिशन फॉलो करें जो बहुत ज़रूरी है। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एब्स की एक्सरसाइज है। हमने आर्म के साथ साथ एब्स को भी ट्रेन करना है, और बहुत से लोग एब्स को इग्नोर करते हैं, ट्रेन नहीं करते। अगर आप ट्रेन नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे, आपके एब्स कैसे डेवलप होंगे? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एब्स को हर वीक में रेगुलर ट्रेन करें, एटलीस्ट वंस अ वीक। इस प्रोग्राम में आपने वंस अ वीक एब्स को ट्रेन करना है, जो ज़रूरी है आपके लिए। सो एब्स में हम रेक्टस एब्डोमिनल को ट्रेन करेंगे, मतलब अपने अपर एब्स को और लोअर एब्स को। सो अपर एब्स में हमारी एक्सरसाइज है इंक्लाइन क्रंचेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वेट का इस्तेमाल किया है, सो ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रेंथ के ऊपर। हम इस एब्स की एक्सरसाइज में ज़्यादा सेट और ज़्यादा रेप्स नहीं लगा रहे हैं, इसलिए आप वेट का इस्तेमाल करें तो आपके लिए ठीक होगा। इस एक्सरसाइज के बाद आपने सिर्फ 30 सेकेंड रेस्ट लेना है, ओनली 30 सेकेंड। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो लोअर एब्स की एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज हम लगा रहे हैं रिवर्स क्रंचेस।
ये एक्सरसाइज हम डीक्लाइन बेंच पर लगाएंगे। आप देख सकते हैं जो बेंच है वो डीक्लाइन है फ्लैट की जगह, और आप यहाँ पर हिप को रेज नहीं करना आपने। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैं क्रंच लगा रहा हूँ सिंपल है, लेग टक इन एंड ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन, मतलब जब आप लेग्स को ऊपर लेकर जा रहे हैं यू हैव टू ब्रीद आउट, और जब नीचे लेकर आएंगे यू हैव टू ब्रीद इन। इस एक्सरसाइज में हम दो सेट लगा रहे हैं और 10 रेप्स। आप चाहें तो इसके 3-4 सेट्स लगा सकते हैं, और क्योंकि एब्स में साइज का कोई कनेक्शन नहीं है, आपने एब्स को ट्रेन करना है ताकि आपका एब का मसल वो डेवलप हो और हार्ड हो, जो हमारे कोर को मतलब हमारे मिड सेक्शन को स्ट्रांग बनाए। हमारी तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज है हैंगिंग नी रेज। ये हमारी लोअर एब्स की एक्सरसाइज है और ये एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है। इसमें आपने जो अपने आप को जो पुलअप बार है, जो चिन अप बार है, उसके ऊपर हैंग करके आप क्रंचेस को लगाएंगे, और आपने ब्रीद आउट करना है जब आप लेग्स को लिफ्ट करें और नीचे जाएं ब्रीद इन। और आपने ध्यान रखना कि आपकी बॉडी ज़्यादा हिलनी नहीं चाहिए, आपका अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, और आपने इसके भी 10 रेप्स लगाने हैं, उसके बाद 30 सेकेंड रेस्ट। सो जो एब्स के मसल है उसको आप जिम में ट्रेन करते हैं, लेकिन जो एब्स के ऊपर फैट है उसको आप डाइट से बर्न करते हैं, वो न्यूट्रिशन से बर्न होती है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी न्यूट्रिशन जो है वो फैट बर्न करती है एब्स के ऊपर, और जो आपकी एक्सरसाइज है उससे आपका जो मसल वो बिल्ड होता है। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। सो आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो करनी है हर एक एक्सरसाइज के बाद, हर एक दिन आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, आप PDF फाइल का लिंक अटैच किया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। गो होम गाइस एंड हैव योर पोस्ट वर्कआउट मील।